लेसन। समझ आ गया? पूछना कुछ? एक दो दिन तक दे दूंगी बेटा, टेस्ट थोड़ा सा बिजी चल रही है, कोशिश करूंगी आज चेक हो जाए। मैम आंसर भेज दिया हूँ एक बार। हाँ जो चेक हो गए ना, नाल आंसर भी भेज दो, टेंशन ना लो। अच्छा कल आप कितों तक कर लिया सी? एसिडिक स्ट्रेंथ स्टडी कर रहे सी, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट के। मेरा बेटा वीडियो चला लो ना। हमने वो समझाना सी हम रेजोनेंस से इंडक्टिव इतना लिंक्स को। हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल वाला आप स्टार्ट किया सी। ठीक सो इसमें हमने देखा था कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं। वर्सेटाइल का मतलब वो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम न्यूक्लियोफाइल वाला देख रहे थे, तो उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग है। जशन वीडियो चलाओ, अपने आप चला ले करो बेटा। न्यूक्लियस लविंग है ये, अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर ये एच से इलेक्ट्रॉन लेके प्रोडक्ट बना लेता है नया। ठीक है, ऐसे ही फिनोल्स न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाती है। इसमें सबसे पहले टाइप का जो बिहेवियर था, दैट इज देयर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इज ऑल्सो प्रूव्स ऑल्सो यू कैन से इलेबोरेट थ्रू द एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। जशन मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा वो गिन के बता दिया करो तुम लोग, मैं लिख के रख लेती हूँ कि निखिलेश को इतनी बार कहना है, जशन को इतनी बार कहना है, फिर मैम भी एक ठीक। मिनट मैम रजिस्टर लेके आ रहे थे एक मिनट। ठीक है, तो एसिडिक नेचर में हमने प्रूव भी किया था इसका कि अल्कोहल को इफ वी रिएक्ट विद सम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली विद द फिनॉल्स वी कैन आल्सो राइट दिस रिएक्शन, कल हमने सारा किया था। और हमने देखा कि जो अल्कोहल्स हैं वो बहुत वीक एसिड थे, इवन वीकर देन वाटर, है ना? इसका क्या रीजन था जशन? मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट अल्कोहल्स आर वीकर एसिड एंड इवन वीकर देन वाटर? मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है करके होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वीक एसिड है, ये तो नया ही कंसेप्ट है, कैसे बताना जरा। नो निखिलेश, क्या मैम हमने बोला था ना कि अल्कोहल्स वाटर से भी वीक एसिड है, वो एक्सप्लेन करने को बोल रही हूँ। मैम वो मैम जो आर होता है वो होता है ना डोनर अच्छा होता है, तो इस करके वो उससे इलेक्ट्रॉन लेता रहता है, इस करके वो बॉन्ड तोड़ता नहीं है। हाँ और जो बिल्कुल हाइड्रोजन राइट, होता है वो हाँ दोनों पास बिल्कुल है, राइट, इस करके वो आसानी से तोड़ लेते हैं। यस। एसिडिक नेचर का मतलब है कि ये बॉन्ड कितना का ब्रेक हो रहा है, अब वो खींचेगी इलेक्ट्रॉन तभी बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, आर ऑलरेडी ओ को देता जाता है, तो ओ को ये बॉन्ड तोड़ने की जरूरत कम पड़ती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में तो देने वाला कोई है नहीं, इसलिए वाटर एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, सेम रीजन। ठीक है, वीडियो भाई दो बार सुना करो, ये चीजें तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखा, बेस क्लियर नहीं है, प्लस वन था, दो दो बार करके अपना आ जाएगा, पढ़ा करो रोज का रोज। यहाँ तक किया था, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल का कंपैरिजन हमने स्टार्ट किया था कल, वो कंटिन्यू करते हैं। अर्गुन वीडियो ऑन करो बेटा, अक्षित तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली थी, अर्गुन का लेक्चर क्यों नहीं लगाया? हम पेपर से आज केमिस्ट्री का हो क्यों होया? गया मैम, बढ़िया, बट जो जापानी जितने वैसे वो नहीं आते। कोई गल नहीं, हो तो हो नहीं सर, जेड़े कितने सिखाते सी, बस ये दसो मैनू। यस मैम, अच्छा ये वाला रिएक्शन होगा जशन, दोनों में से कौन सा रिएक्शन होता है? ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है,
इससे एक तो ये पता चलता है कि फिनॉल्स अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है। एक चीज और से पता चलता था कि अल्कोहल्स वीक है, फिनॉल स्ट्रॉन्गर है। फिनॉल क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, विच इज अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ एसिड्स, व्हाइल अल्कोहल्स कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। फ्रॉम ये दो इंडिकेशंस है। देर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी कि वो दो पॉइंट्स पूछ रहा है जिससे ये पता चलता है कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। दो पॉइंट पूछ रहा है तो वो दो में आप यही लिख के दोगे, मैं लिखवाऊंगी। एक तो फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, व्हाइल अल्कोहल्स कांट, दूसरा ये रिएक्शन लिख के दोगे। समझ गए जशन? समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके अक्षय चला ला हूं वीडियो राजा, तेनू हूं मैं कही जावा बार बार है, पढ़ना भी है, ये कम नहीं रह गया अपन। हूं अगे देखो, अपा कल एक चीज करी सी कि ए से बी बनता है, क्यों बनेगा ए से बी? कोई भी नेचर में, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। जो पहला रिएक्शन है जो हुआ है तो उसका रिएक्टेंट फिनॉल है। क्या है उसका रिएक्टेंट? मेन रिएक्टेंट है, बाकी अन्य एच भी है, और प्रोडक्ट उसका सोडियम फिनोक्साइड है। सोडियम निकाल दें तो क्या बचेगा? फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इसका मतलब देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड फिनोक्साइड। पहला रिएक्शन हुआ है, हो रहा है वो, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फिनॉल से, तभी वो हुआ। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको, ये फैक्ट तो है, ये हम एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि भाई रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने से इंटरप्रिटेशन ये निकली कि कोई भी रिएक्शन जर्नल, हम ये तो मालूम ही है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट फिनोक्साइड आयन है। तो हम अब चेक करते हैं रेजोनेंस के थ्रू कि क्या ये बात सच है, क्या फिनोक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। समझ गए इतनी बात? पीछे की सारी कहानी समझ गए ना? अब प्रूव करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो कैसे बनेंगे? बनाओ फटाफट ये मेरे साथ साथ। ओ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं तो ओ पे पॉजिटिव आ गया। उसी के अंदर ही बनाया और फिनॉल के अंदर। हाँ, के अंदर ही। इस पे ऐसे डाल लेना 1 2 3, एक देख लो फिर अपने आप ट्राई करो, बन जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं। फोर एंड लास्ट इज अर्गुन, जो पेपर होया बेटा मेनू भेजना। फिनॉल दे बनान तो बाद फिनोक्साइड दे बनान दे। इधर की लिखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन की है जदों ने एच लूज करता सी उदों दी सिचुएशन, वो ते नेगेटिव चार्ज हुंदे ही है। मैं बना रही हूँ फिर मैं समझाऊंगी, तुसी बना लेना फटाफट। सिक्स्थ
मैम लेफ्ट वाले दी हेडिंग किस है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नाइन तो बाद लास्ट मैं इधर बना रही हूँ, जगह नहीं सी बची। टेंथ अलग अलग बनाने हैं, ऊपर नीचे कर लियो या साइड पे जिद्दा मैं बनाया, दोनों च मतलब पता लगना चाहिए केड़े फिनॉल दे केड़े फिनोक्साइड दे। इतना फटाफट करो तो फिर मैं दस दियो जो लिख लिया तो। कर ला बेटा अखिलेश, कर ला बोल तो फटाफट। फरगुन अक्षित लिख लिया तो सी बना रहे हैं मैंने। ध्यान जिन्होंने लिख लिया जशन एक बार चेक कर लिया कोई पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा सीधा तो ना बनाता हो, ध्यान नाल बनाने हैं बहुत है। देखो बेटा हम चलते हैं अगे, एक मिनट में लास्ट रह गया हम लोग, बना ले राजा फटाफट कर। होगा हम देखो पिछे आप पढ़ के आए हैं एसिडिक नेचर फिनॉल दी ज्यादा होंगी अल्कोहल नालो, ठीक है उदे रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर कह रही है जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आने। नाउ इफ वी समहाउ प्रूव दैट फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, निकलेश इधर ध्यान दो, तो यदा की मतलब होगा कि फिनोक्साइड आयन बन रहे हैं, ठीक है हूँ रेजोनेंस तो पता लग जाता है कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, किदा पता लग गया दोनों स्ट्रक्चर दे देखिए बनते तो पांच पांच ही है, पांच फिनोल दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ने टोटल ते पांच ही फिनोक्साइड आयन दे, इन्नी गल समझ गए। इना बेटा कुछ रूल्स होंगे ने तुसी क्लास वन च पढ़े नहीं है पर थोनू थोड़ा जा जिन्ना चाहिए वो मैं दस दिनी हाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख के ना हम ये बता सकते होते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आएंगे, जैसे ओ का जो अपना नेचर होता है वो एक एलिमेंट ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, हरगुन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ऑक्सीजन कैसा है इलेक्ट्रो नेगेटिव है बाय नेचर ही, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा जशन के पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है ना। अब फिनोल के स्ट्रक्चर्स तुम देखो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जिनमें
ओ पे पॉजिटिव भी आया, कई स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड फोर्थ इन पे ओ पे पॉजिटिव भी आया, बट फिनोक्साइड के कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसपे ओ पे पॉजिटिव आया, इतना पता लगा। फिनोक्साइड आयन में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसपे ओ पे पॉजिटिव आया, इसके कारण फिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है जो चार्ज सेपरेशन होती है ना, ये एक लिटरेचर में वर्ड यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब होता है एक जगह पॉजिटिव क्रिएट हो जाना, दूसरी जगह नेगेटिव। ये कोई स्टेबिलिटी वाली बात नहीं होती है, स्टेबिलिटी के ऑपोजिट होता है। चार्ज सेपरेशन जहां पे होगा वो स्टेबिलिटी कम करेगा। अब इधर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो क्या चार्ज सेपरेशन हो रही है या क्या नहीं हो रही? हो रही है ना बेटा, चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, और इधर तुमको कहीं दिख रही है चार्ज सेपरेशन? फिनोक्साइड आयन में दिख रही है कहीं? नहीं है। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेपरेट नहीं हुए पड़े, ये पूरा नेगेटिव ही है, जबकि फिनोल में चार्ज सेपरेशन है, फिनोक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं है। ये दूसरा रीजन बनता है फिनोक्साइड आयन के मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स होने का। क्या बोल रहा है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, हमने ये प्रूव करना है। स्ट्रक्चर्स बनाए, स्ट्रक्चर्स देख के दो बातें समझ में आई, क्योंकि जो फिनोल के स्ट्रक्चर्स थे उनपे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, और फिनोक्साइड के स्ट्रक्चर्स पे ऑक्सीजन पे या तो नेगेटिव था या कोई चार्ज नहीं था। इससे पता चला कि फिनोक्साइड के ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रखना चाहता बाय इट्स ओन नेचर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, चार्ज सेपरेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आता, वो रादर स्टेबिलिटी कम करता है। तो इसमें चार्ज सेपरेट हो रहा है, स्टेबिलिटी कम है, इसमें नहीं हो रहा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? प्लीज रिप्लाई, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? मैम, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो चीज स्टेबल नहीं है कि फिनोल क्या कह रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव है तो? ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, उसमें दोनों चार्जेस लगेंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ, चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी, अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि रेजोनेंस का फंडा ही ऐसा होता है कि वो चार्ज को डीलोकलाइज करता है। ठीक है, अभी इतना इसको ओके याद रखो कि चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी लेके आता है रेजोनेंस में। बोलो, अब क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट्स? मतलब फिनोल फिनोल में चार्ज सेपरेशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं ना तुमको कई जगह पे, दोनों चार्जेस दिख रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल, उसके स्ट्रक्चर्स कम है, जबकि यहाँ पे तो तुमको अकेला नेगेटिव ही दिख रहा है, एक ही चार्ज है, तो इसके स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा। ये रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी देखने के, समझ गए? ज्यादा यस। अच्छा, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये मैं लिखवाऊंगी अभी, समझो जरा। ये रिएक्शन नहीं हुआ, कल हमने मान लिया था कि सपोज करो ये होता तो ये क्या बनाता, होता निखिलेश तो ये क्या बनाता बेटा, आर ओ एन ए प्लस H2O बनता ना। ओके इसका मतलब इसमें एल्कोहल से एल्कोऑक्साइड आयन बनना था, ये एल्कोऑक्साइड आयन है ना, एल्कोऑक्साइड आयन ध्यान से समझ लो भाई, एल्कोऑक्साइड आयन लेस स्टेबल होता देन इट्स पेरेंट। इट्स पेरेंट कौन है? एल्कोहल। ये लेस स्टेबल है इसलिए ये नहीं बना, ये ज्यादा स्टेबल था तो ये बन गया। अब ये प्रूव करके बताओ मुझे कि ये लेस स्टेबल क्यों है। मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है अपने पेरेंट्स से, पेरेंट से ज्यादा स्टेबल है बच्चा तभी आगे रिएक्शन जाता है। एल्कोऑक्साइड आयन लेस स्टेबल है अपने पेरेंट्स से तो वो नहीं बना, क्या रीजन हो सकता है इसका? चलो, ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि इसमें चार्ज दिख रहा है तुमको। केमिस्ट्री में एक और फंडा है, सारे प्लस वन के ही हैं, कंसेप्ट रिवाइज करा रही हूँ बेटा। चार्ज एक जगह पे पड़ा होता है ना जब, तो वो स्टेबल नहीं होता। देखो, ये दो वर्ड्स होते हैं, लोकलाइजेशन, एक होता है डी लोकलाइजेशन। वही चॉकलेट वाली एग्जाम्पल है, जशन के पास चॉकलेट है, वो किसी निकलेश को नहीं दे रहा,
तो वो लोकलाइज्ड है, वो सारा कुछ खुद लेके बैठ गए, तो फ्रेंड्स में क्या होगा, झगड़ा होगा, तो सिस्टम क्या है, लेस स्टेबल, समझ गए, लोकलाइज्ड, एक ही जगह इकट्ठे हो जाना। डीलोकलाइजेशन क्या है, जशन ने सबको बांट दी, अर्गुन को दे दिया, निखिलेश को दे दिया, अक्षित को दे दिया, सारे खुश हो गए, फैल गई चीज, क्या फैल गई, चॉकलेट फैल गई सब जगह। तो ये सिस्टम कैसा है, मोर स्टेबल। ऐसे ही चार्ज की कहानी है, यहाँ पे चार्ज क्या है, एक जगह पे है, क्यों, एल्कोऑक्साइड आयन में बेटा क्या होता है, कोई रेजोनेंस नहीं है, रादर आर ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देना, तो सारा चार्ज जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना सिस्टम को बहुत कम स्टेबल कर देता है। फिनोक्साइड आयन में भी अब तुम बोलोगे मैम चार्ज तो था ही, बट फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस हो गया था जिसके कारण वो चार्ज सब जगह फैल गया, रिंग पे भी फैल गया, पूरे सबने जैसे दुख बंट गया, ऐसे समझ लो तुम, दुख बंट गया, ये चार्ज दुख जैसा है, वो सब एटम्स ने मिल बांट के उसको बर्दाश्त कर लिया, तो सिस्टम स्टेबल है। यहाँ पे जो नेगेटिव था, जो उसका सैडनेस थी, वो उसी पे भारी पड़ गई, वो उसको किसी को दे नहीं पा रहा, साथ वाला उसको और दुखी करी जा रहा है, और उसको और नेगेटिव देने पे उतार हुआ, इस वजह से वो कम स्टेबल है। चाहे ओ का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट एक जगह पे चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा फैलना चाहता है, समझ आई ये बात। यस मैम, किसी यस को कोई मैम, डाउट तो नहीं है, क्लियर है पूरा। अब तुम एक काम करो, ये ना लिखने था, टाइम हमारा लग जाएगा, हमने टॉपिक्स काफी खत्म करने हैं, तुम लोग ने स्ट्रक्चर्स तो बना लिए होंगे, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ना नीचे एक लाइन लगाओ, छोटी सी, पूरी नहीं, छोटी लाइन लगाने के बाद ना ऐसे लिखो, उसके बाद ये लिखो, बस इतना दिखा लो, फिर इसकी थियरी मैं तुमको ना पिक भेज दूंगी जैसे ही क्लास खत्म होती है। क्या बोला, मैं रिपीट करती हूँ, स्ट्रक्चर्स बनाए, एक छोटी सी लाइन लगाई, उसके बाद ये बनाना है एल्कोहल टू एल्कोऑक्साइड। ये लिखने के बाद तुम लोग ना एक पेज छोड़ दो, एक पेज मतलब एक साइड वाला, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं पिक भेजूंगी, तो वो सारा लिख लेना यहाँ पे, जो समझाया ना मैंने बोल के सारी कहानी। ऐसे छोड़ने मैं दोबारा बताती हूँ, लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद ये लिखा, उसके बाद जैसे ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, जहां पे भी तुम्हारा खत्म हुआ है, मतलब इतना पेज चाहिए मुझे एक साइड वाला, एक पेज, क्लियर, ओके, यस मैम, जो भी मैंने बोल के समझाया वो सारा कुछ फोटो खींच के तुमको भेज दूंगी, ये चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट, सारा मतलब ओ की नेचर वाला पॉइंट, और एल्कोऑक्साइड आयन क्यों कम स्टेबल है, वो सारा भेज दूंगी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है जिसके कारण ये उसको इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, रेजोनेंस हो नहीं रहा, इस वजह से एक जगह इकट्ठा हो गया, स्टेबल कम है, चार्ज हमेशा फैलना चाहिए, प्रेजेंट है तो तभी स्टेबल होती है चीजें। अब आगे चलते हैं, पेज छोड़ने के बाद की हेडिंग लगाओ, वीडियोस ऑन करो, सभी लोगों ने बंद कर दिया। प्रिया तेरा पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया मैम। पर उन्होंने मतलब वो दोनों केस स्टडी एक पी ब्लॉक से थी, दूसरी बायोमोलिक्यूल से थी। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट्स ऑन सॉलिड सॉल्यूशन से कुछ आया था? यस मैम, और दूसरी केस स्टडी में ना बायोमोलिक्यूल्स का वो डाल के सारे असर्शन रीजनिंग 5 हो गए 5, और उस बुक में पैराग्राफ में कुछ भी नहीं था उसके रिलेटेड। कोई बात नहीं, वो तो करने पे ही आएंगे बेटा चैप्टर्स, यही 2 चैप्टर्स हमारे रह जाएंगे करने के बाद, कोई बात नहीं, अब फाइन तुम्हारा बस अक्टूबर में हो जाएगा सारा, फिर अपने आराम से फर्स्ट टर्म देना, सेकंड टर्म का तो हमने पहले ही बहुत कुछ कर रखा है, उससे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचेंगे उसके, वो करा के फिर तुम्हारे टेस्ट का साथ में चलते हैं, तो फाइनल्स पे ध्यान दो, वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, जिन लोगों ने भी कल क्लास नहीं लगाई थी प्लीज अच्छे से वीडियो सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुबह भेज दी थी, और कोशिश किया करो कोई क्लास ना मिस हो, क्योंकि तुम देख ही रहे हो, एक तो ऑलरेडी +1 के इतने कंसेप्ट यूज होते हैं, एक वैसे ही ऑर्गेनिक चल रही है, तो तुम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है रेगुलरली।
अब मैं वेट कर रही हूँ, जब ऑन करोगे फिर वापस क्लास शुरू करूंगी। ठीक है। चला लो वीडियो, तब तक बैठे हो, उतना टाइम मैं एक्स्ट्रा लूंगी। फिर सर को बोल देना कि हाँ, मैंने मैम, फोन से ही कनेक्ट किया हुआ है, फिर अगर वीडियो ऑन करता हूँ मेरे को बोर्ड नहीं दिखता। चलो कोई बात नहीं, निकले शख्सित, तुम लोग करो जल्दी। अर्गुन, चलो इधर देखो, अगला टॉपिक क्या है? पेज छोड़ने के बाद का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्सिजेंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दो जरा। सब्सिजेंट क्या होते हैं? मान लो फिनोल पे सपोज करो ये नाइट्रो ग्रुप लगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जैसे एसिडिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला OH? यस। तो ये हमें पता है फिनोक्साइड बनाता है, बट इसमें फर्क क्या है? नाइट्रो ग्रुप लगा, तो नाइट्रो ग्रुप एक सब्सिजेंट है। तो हम ये हमने देखना है कि भैया जी, ये नाइट्रो ग्रुप आने के कारण, सब्सिजेंट आने के कारण फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी वो बढ़ी या कम हुई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्सिजेंट आ गया, वो सब्सिजेंट ने फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट डाला, ये हमारा पॉइंट। अब देखो, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मुझे बताओ, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंडेंट है? ये चार्ज जितना ज्यादा फैल जाएगा उतना ये स्टेबल होगा, ये बात सही है? यही सीखा है ना हमने भाई, फिनोक्साइड आयन पे चार्ज है, चार्ज जितना डिस्पर्स होगा, फैलने का नाम है या तो डीलोकलाइज या डिस्पर्स वर्ड भी बोलते हैं, जितना चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा उतना ये स्टेबल है। अब अगला पॉइंट, जितना ये स्टेबल है उतना जल्दी बनेगा कि नहीं निखिलेश? यस मैम। जितना ये स्टेबल है उतनी जल्दी बनेगा। अब हमने देख, जितना जल्दी बनेगा इसका मतलब उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड जल्दी टूटा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आई रिपीट द सीक्वेंस, ये नाइट्रो ग्रुप जो है, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ पे, विदड्रॉइंग का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं, कैसे खींच रहा है वो करेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या है? इस चार्ज को भी खींचेगा, चार्ज को खींचेगा तो एक तरीके का चार्ज को डीलोकलाइजेशन, चार्ज को फैलाने में, दुख को बांटने में इसने हेल्प करी। अब दुख बांटने में हेल्प करी तो ओवरऑल सिस्टम मोर स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जी बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं ये कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ कि कोई भी, जब भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा तो वो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो मेरी कंक्लूजन क्या निकली कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। क्या तुम लोग ये बात समझे? कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, नाइट्रो है, साइनो है, कोई हेलोजन है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल पे होता है ना तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इसके उल्टा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर तो भली भांति जानते ही हो। अब मान लो ये फिनोल पे मैं कोई आर ग्रुप लगा दू, मिथाइल लगा दू, इसका नाम क्या था निखिलेश? वीडियो ऑन कर, चल जल्दी, किस कुछ में बंद करके बैठा है, मैं नहीं छोड़ती तुम लोगों को, आज 2 से 3 तक पढ़ाऊंगी। अपने आप मैं बोल देना, मैं बोलूंगी सर छुट्टी कर दो इनकी आज। इसका नाम बता निखिलेश। कॉमन नाम क्या थे इसके? अर्गुन,
पिया, जशन बताओ जिसको आता है। पढ़ते लिखते तुम लोग कुछ नहीं हो और सोचते हो पता नहीं कितने नंबर आ जाएंगे। 10 बार मैंने इस चैप्टर में रिपीट करा दिया, क्यों नहीं आता इसका नाम? बताया नहीं था क्रिसोल्स है ये? क्रिसोल नाम इसका चलना ही चलना है। पेपर में अब ऑप्शन में लिख के आ जाएगा क्रिसोल, तुम देखते रहोगे मैम ये क्या आ गया, फिर मुझे आके बोलोगे मैम कॉमन नेम आ गया था, हम ना याद करना भूल गए थे, है ना? ऐसे बोलते हो ना। फिर मैंने स्पेशली लिखा है कि बेटा जिनके मैं कॉमन नेम लिखवा रही हूँ वो याद करने हैं, क्योंकि मुझे पता है वो पेपर में आएंगे। अब तुम लोगों को बड़ा दिमाग दिमाग लगा के तुम बोलोगे मैम 2-मिथाइल फिनोल, पेपर में लिखा होगा क्रिसोल, फिर देखोगे पता नहीं क्या हो गया। अब इसने क्या करना है, इसने कौन सा फिनोक्साइड आयन बनाना है? यहाँ पे मिथाइल। अब मिथाइल कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो और इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा रिंग को, तो वो दुख बांटने की बजाय दुख को बढ़ा रहा है, तो स्टेबल कम है, कम स्टेबल है तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस दी एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गए ये बात? विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इज इट क्लियर और एनी डाउट्स? मैम एक बार रिपीट कर दो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग बुक का। लेट मी डू। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जशन इधर देखो ध्यान में, एसिडिक स्ट्रेंथ आप डिटरमिन किस अकॉर्डिंग कर दिया कि ए ओ एच बॉन्ड कितना जल्दी ब्रेक होगा। यस मैम। हम जे ब्रेक होके ए आयन बनेगा, जे आयन ज्यादा स्टेबल हो जाए ता की होएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? हम यस ए ए ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेने हैं तो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ बचे, दैट्स इट। मैं इसके भी ना आपको नोट्स ही भेजूंगी, आज मैं सारा समझा रही हूँ, सारा आपको भेज दूंगी नोट्स। अब देखो जरा, अब आप लोगों ने मुझे कंपैरिजन करके बताना है, आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं ये चारों का, या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना जरा मुझे। सबसे कम एसिडिक कौन है इनमें से ये बताओ। मैम लास्ट वाला, क्योंकि रीजन हम इसका कोई इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप नहीं लगाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक फिनोल है इन चारों में से, अब उससे ज्यादा देखना। अब इन तीनों का कैसे डिसाइड करोगे, तीनों में एक एक ग्रुप लगा, पोजीशंस का फर्क है, क्या किया जाए? दसना अपने आप दसो, थोड़ा बहुत अद्धा नहीं गल बनती। इनके आयन बता सकते हो कौन कौन से बनेंगे? इसमें ये बनेगा नाइट्रो वाले पे, बोलो यस मैम। बनाओ कॉपी पे, रफ रफ पैरा मार्क। का पैरा सबसे ज्यादा होगा ना, का सबसे ज्यादा होगा पहले फिनॉल, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, फिर पैरा। यस, वेरी गुड। कैसे डिसाइड किया? वेरी नाइस। मैं क्या करती हूँ, 1 2 3 लिख देती हूँ। अभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर आना है उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम एसिडिक फिनोल अकेला, उससे ज्यादा एसिडिक मेटा वाला, उससे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला, सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा वाला। नाइट्रो वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके रीजन मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, स्ट्रक्चर तुम लोग खुद बनाओगे, मैंने बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को बनवा दिए। ये सारा मैं आज नोट्स भेजूंगी, समझने पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत लिखते जाओ। इसके स्ट्रक्चर्स बनाना बेटा जरा, है ना? मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ ऑर्थो का, क्या किया मैंने ये वाला, और एरो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डाल ले अभी,
ऐसे पहला स्ट्रक्चर ऑर्थो का कैसे बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, इसको ठीक कर लो। इस कार्बन पे लोन पेयर आ गए, ये समझ गए क्या किया मैंने। यस अब अगले स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब देखो जरा, अब इसमें जिस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा था उस कार्बन पे नेगेटिव आया एक स्ट्रक्चर में, आया कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच लेगा। इसमें माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है। आई क्या होता है, इंडक्टिव, खींचने वाला इंडक्टिव को माइनस आई बोलते हैं। आर होता है रेजोनेंस, माइनस आर का मतलब एनओ टू इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, बट कैसे, अपनी तरफ खींच के, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे। समझ गए ये बात, पहले भी किया था ये ऐसा कुछ। सिमिलरली पैरा का एक यहाँ पे ऑर्थो वाला ये, अब पैरा का स्ट्रक्चर बनाओ तुम, पैरा वाला आयन बनाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा पैरा का आयन। अब इसका पहला स्ट्रक्चर देखो ऐसे, इसके स्ट्रक्चर्स बना, जब आगे आगे बनाओगे ना एक टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो फिर वो उसको खींच लेगा क्योंकि उसी कार्बन पे नाइट्रो लगा। बोलो, तो ये भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्लियर, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो अब मैं मेटा का रीजन बताती हूँ, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो कम क्यों है। जशन ने बताया अभी अभी कि ऑर्थो और पैरा में दोनों एसिडिक है, ठीक है, मेटा में तो वो कार्बन पे आता ही नहीं जिस कार्बन पे नाइट्रो लगे, जैसे क्लोरो में कराया था, याद है, हेलोरिन्स में भी किया था। मेटा में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आर मेटा में लगता ही नहीं है, बट ऑर्थो वाला क्यों कम एसिडिक है। देखो जरा, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है कि नहीं है, ठीक है, अब पैराम नाइट्रोफिनोल बनाओ, दोनों में हमने देख लिया कि दोनों के रेजोनेंस में जब होगी उस कार्बन पे नेगेटिव आता है जिसपे ग्रुप लगा है, तो खूब सारा खींचेगा अपनी तरफ। बेटा इसमें डिस्टेंस किस में कम और ज्यादा है, OH और नाइट्रो ग्रुप में डिस्टेंस कम किस में है, ऑर्थो में क्या पैरा में, ऑर्थो ऑर्थो में, तो ऑर्थो में ये हो जाती है, क्या है ये बनाई मैंने, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, समझ गए, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटर और इंट्रा, तो अपने ही मॉलिक्यूल में हो गई तो अपने ही हाइड्रोजन को ये पकड़ लेता है, कई बार तो उतनी जल्दी उसकी हाइड्रोजन निकलती नहीं है, यहाँ पे ग्रुप्स दूर होने के कारण वो हो नहीं पाती इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले से ज्यादा, समझे, yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ये सारों का कंपैरिजन। पर मेटा वाले स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो किसी उस कार्बन पे नेगेटिव आएगा ही नहीं जिस पे ये है नाइट्रो, तो इस पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, माइनस आर लगे नहीं रहा, कदम खानी, क्लियर। अब आ जाते हैं डोनेटिंग का केस, एक पढ़ना है हमने क्रीसोल्स का, देखो जरा। अच्छा मैं ना मीटिंग नहीं कर रही हूँ, ये खत्म हो रही है, आईडी भेजती हूँ।
हाँ जी बेटा, नाउ वी हैव फोर कंपाउंड्स। पहले मुझे ये बताओ, ये जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्या विड्रॉइंग है? डोनेटिंग है। बिल्कुल ठीक है। डोनेटिंग होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्या कम होगी? मैम कम होगी। कम होगी। तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? मैम फिनोल ही है। फिनोल है। मान लो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया, फिनोल डिसाइड हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। अब ये तीनों का नाम क्या? क्रिसोल्स है। क्रिसोल किसको बोलते हैं? जब फिनोल के साथ एक CH3 ग्रुप लगाओ। ठीक है, अब बताओ फिनोल से कम एसिडिक कौन है? अच्छा अब ये देखो, कोई भी इफेक्ट चाहे वो देने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे पीछे करके आए हो, नाइट्रो लेने वाला ग्रुप था क्या डोनेटिंग था या विड्रॉइंग था पिया? नाइट्रो ग्रुप डोनेटिंग था क्या विड्रॉइंग था? विड्रॉइंग था। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जो विड्रॉइंग है या वो डोनेटिंग है तो उसका ज्यादा इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे आता, मोर इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन मेटा। अब आंसर सोचने की कोशिश करो, इसका कैसा इफेक्ट है डोनेटिंग? डोनेटिंग इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा आएगा। ठीक है, अब ये इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? बोलो, कम कर रहा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। तो फिनोल से फिर अगला नंबर किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में? पैरा कम नहीं, तो मेटा को एक। हाँ मेटा ऑर्थो और पैरा। मेटा का होगा फिर, पैरा सबसे कम ऑर्थो में। मैं बताती हूँ, सबसे वीक एसिड ऑर्थो है। पहले इसको समझो क्या है। जैसे नाइट्रो ग्रुप खींचने वाला इफेक्ट था, ठीक है, विड्रॉइंग था, वो ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे था। चलो पैरा लेके चलते हैं, हम समझने के लिए एक तो लेना पड़ेगा। अब ये इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो फिनोल से जब कंपेयर करते थे तो ये ज्यादा एसिडिक होता था क्योंकि ये इफेक्ट बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और वो है भी पैरा पे। अब मेटा पे भी वो बढ़ाता है बट इफेक्ट इतना नहीं आता था, तो हम बोलते थे कि ये दोनों ही फिनोल से सो ज्यादा एसिडिक है बट मेटा वाला कम एसिडिक है क्योंकि मेटा वाले पे इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं है और वो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। अब ये जो मिथाइल है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। अब इसका इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, तो ऑर्थो और पैरा पे वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम कर देगा, मतलब वो वीक एसिड हो जाएंगे। मेटा पे भी वो अपना डोनेशन दे रहा है बट वो उतना नहीं दे पाता, इसलिए वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग एसिड बना मेटा पे। समझे ये बात? बोलो मेटा क्यों आया इसके बाद? अब ऑर्थो और पैरा में क्या है कि CH3 ऑर्थो में ज्यादा नजदीक है, देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इसका जो प्लस का इफेक्ट होता है वो ज्यादा ही और ज्यादा देता है। ज्यादा देने के कारण ये सबसे वीक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो दो केस बन गए, एक तो क्रिसोल्स का ये डोनेशन वाला केस है, एक जो पीछे करके आया नाइट्रो वाला वो विड्रॉइंग वाला था। दोनों केस काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इफेक्ट याद रखना ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा। अब तुमने देखना है कि वो डोनेशन वाला है या वो विड्रॉइंग वाला है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे, अच्छा वो टॉपिक याद करो, ये टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले वो रिएक्शंस कर रहे थे जिनमें न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है, उनमें भी सबसे पहले हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखी थी। अब सेकेंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर के ही सेकेंड रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल के, इसमें हेडिंग। अच्छा पिछले वाले टॉपिक के लिए बेटा तुम लोग एक पेज वो छोड़ा था। अच्छा अब ऐसे करो, दो पेज छोड़ दो, दो पेज मतलब ऐसे, एक आगे का एक पीछे का या आमने सामने के, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? यस मैम। बेटा इसीलिए करा रही हूँ ऐसे ताकि टाइम बच जाए, कि क्लाइंट लिखवाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमारी प्रैक्टिस को टाइम कम बचेगा। सारा समझ तो आ रहा है बट आज के आज लिख लेना, नहीं तो फिर कल पता नहीं लगना तुम लोगों को कि क्या कराया था। अगला लिखो, अगला रिएक्शन, रिएक्शंस विद, निखिलेश तुम इतनी लेट क्यों हो बेटा?
वो बुला रहे थे घर वाले, जरूरी काम था। बट पॉइंट मिस हो गया ना, जरूरी काम तो फिर उसमें इंस्टीट्यूट में होते, फिर कहाँ जाता, मुझे तो नहीं लगता घर वाले बुलाते हैं तो खुद ही भागा नेट रहता। भी स्लो था, वो भी कर रहा था हमसे, दोनों चीजें हो रही है। बेचारा नेट फंस जाता है हर बहाने में है। अभी भी मैं चलो स्लो ही चल रहा हूँ, फट रिकॉर्डिंग जाएंगे। रिकॉर्डिंग सुन लिया जो मिस हुआ, ठीक है। रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दो पे छोड़ने को बोला है मैंने, आगे पीछे या आमने सामने। रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, ये सारे इसे वही है न्यूक्लियोफाइल जहां पे बिहेव कर रहे। क्या आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH प्लस अल्कोहल के साथ रिएक्शन। अल्कोहल क्या है, R-OH। मैंने उल्टा करके क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बॉन्ड का क्लीवेज दिखाना है कि कैसे हुआ। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, हम अल्कोहल्स के वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिनमें OH बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ से OH बॉन्ड जाएगा, यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा, बाकी क्या बचा। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप में बने हैं, एस्टर्स, ईस्ट एस्टर। तो ये रिएक्शंस को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टर्स बनने वाले रिएक्शंस को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। लिखो प्लीज ये रिएक्शन कॉपी पे, यहाँ पे लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे लिखो अल्कोहल, यहाँ पे एस्टर और वाटर बाहर निकल रहा। नीचे लिखो दिस रिएक्शन इज आल्सो इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखने के बाद लाइन लिखना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और इसके एरो पे ना तुम एक लिख लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। प्लीज एवरीवन स्टार्ट योर वीडियोस वी क्विक। लिख लिया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगली लाइन लिखो एक और, द रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। लिख रहा है ना, रिवर्सिबल का साइन डाला, द रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल फुल स्टॉप। आगे लिखो, इफ वी यूज HCl as a catalyst, if we use HCl gas as a catalyst, if we use HCl gas as a catalyst, then the reaction is known as, then the reaction is known as Fischer Spire. ये spelling है, scientist के नाम पे है, Fischer Spire esterification reaction. Then the ester is known as Fischer-Spire esterification reaction. For example, बेटा बहुत पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ रहे हो? प्लीज डेली का डेली कर लो, ऐसा नहीं है कि बिना लिखे या बिना पढ़े ये रिएक्शंस नहीं याद होने वाले। यहाँ पे ओएच बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का और एसिड से उधर से ओएच गया तो ये प्रोडक्ट बना। इसका नाम लिखो ये एस्टर का, एस्टर की नेमिंग सिखाई थी मैंने, क्या नाम है इसका? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अक्षित है, निक्लेश है, क्या जशन है इसका नाम? तो कुछ और नाम है, मिथाइल मिथाइल एल्कोनेट। तो द जमा खिचड़ी जी बना के परोसते मेनू, सब गड़बड़, नून मिर्च सब घट है बेटा। एदे नाल जेड़ा ग्रुप लग गया हुंदा ना वो पहला लिख दे, वो ग्रुप इथाइल है, चाहे वो छोटा हो चाहे वड्डा, बाकी दे बचे कार्बन दो ने, इथाइल इथानोएट।
समझ गए? कॉमनली मैं कितना सिखाया सी, मैं सिखाया सी अल्काइल अल्कालोए। तो अल्काइल हुंदा जेड़ा पीछे लिखेगा, अगे पीछे का मतलब फंडा बस एड एना की है इतने। ये जनरल फॉर्मूला याद रखा करो, जेड़ा ओदे नाल ग्रुप को लगे ना वो अल्काइल हुंदा, बाकी का बचा हुआ अल्कालोएट हुंदा। समझ गए? ये चीजा की लोड़ पैनी है, तो नाल नाल एक्सट्रा पॉइंट जो भी दस दी वो सारे लिखी जाया करो कॉपी ते, क्योंकि वो सारे प्लस वन रिलेटेड ने। ठीक है, हुण जदों तुसीं जिवें हुण तां तुहानूं मैं सारे नोट्स वगैरह भेज दी हूँ, प्लस टू तो बाद जो कॉलेज जाते हैं उदो टीचर इन्ना हैडेक कोई भी नहीं लगता, नोट्स भी खुद बनाने आने चाहिए। तो उहदा बेस्ट तरीका मैं दस दी, मैं भी कॉलेज लाइफ सारा गई हाँ, टीचर जो भी दस दे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करोंगे मतलब बस लिख ही चाहिए कॉपी से, चीजा कितों नहीं मिलती होंगे। तो हम भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो लिखने की। ये सारा हो गया ना, तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हम थर्ड टाइप के रिएक्शन करन लगे हैं। मैम बाकी गल करा दियो। नहीं बेटा कोई गल नहीं, तुसी जाना तो तुसी जा सकते हो, 5 मिनट पए आ हले। मैम उठे जानो टाइम लगना कर दूंगा बेटा, 15 मिनट ही लगदे ने, 5 मिनट मैं और लूंगी, 1:45 तक टाइम है। सब सभी सवा दो ही शुरू कर देने। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ऑल दीज रिएक्शंस वी आर स्टडिंग अंडर द टॉपिक। ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो ओएच बॉन्ड टूट रहा है। ओएच में सबसे पहले हमने अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी है ना, फिर उसके बाद स्टेरिफिकेशन देखी इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब भी एस्टर्स ही बनेंगे बट विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, RCOCl बोलते हैं इसे। ये अल्कोहल और ये एसिड क्लोराइड, तो तुम लोग प्लीज नीचे लिख लीजिए एसिड क्लोराइड है और ये क्या है अल्कोहल। इतना तो समझ आ गया, बोलो। देखो एदा ए वाला बॉन्ड टूटना है, इधरों Cl निकल जाना है, तो तुहाडा बन जाएगा RCOR डैश। प्रोडक्ट की बने ने, अगैन एस्टर्स ही बने ने, नाल HCl निकल गया। दूजा की लिखे आप एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड आ होंगे RCO, एनहाइड्राइड भी बेटा एक फंक्शनल ग्रुप ही ने, इनू कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अक्षय तो कल वाली रिकॉर्डिंग सुन ली तू बेटा? नहीं मैम हाले सुन ली। उदे से सारे टेस्ट लिखे सी, कदों केरा टेस्ट है? ठीक है अब देखूं। ये रिएक्शन देखो किदा हो रहा है, इथों बॉन्ड टूटदा, ए वाला पोर्शन ते ए पोर्शन जुड़ के एस्टर बना देंगे, बाकी दा पोर्शन एसिड बन जाएगा। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, सारे नाल एस्टर्स ही बनते हैं, तो बेसिकली सारे स्टेरिफिकेशन वाले ही ने। समझ आ गया इन्नू? यस मैम। ठीक है चलो फिर बाकी कर दे अगले लेक्चर च, ते मैं दे नोट्स भेज दियां तुहानू। ठीक है ओके बेटा, थैंक यू मैम।